फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो है मोदक। बहुत इजी है, झट से बन जाते हैं। मैं आज क्वांटिटी 21 ही बनाने वाली हूँ, इसलिए आप देख सकते हो मैंने कितनी क्वांटिटी से जैगरी और ग्रेटर कोकोनट लिया है। आप देख, साथ ही साथ मैंने बाजू में मैदा और सॉल्ट लिया हुआ है। सॉल्ट आप देख सकते हो बाजू में। ये मिक्स करके इसे भून के लेना है और सॉफ्ट आटा बनाना है। और ये अभी मैं गैस पे चढ़ाऊंगी, इसका मोदक का अंदर जाने वाला सुरन बनाने वाली हूँ जो जैगरी और कोकोनट से बनता है। आप चाहिए तो इसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर भी डाल सकते हो। मैंने इस बार नहीं डालना, मैं इस सिंपल और इजी बनाने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और जैगरी मेल्ट करने के लिए रख दिया है। ये अच्छी तरह से मेल्ट करके लेना है, फिर इसमें वो ग्रेटर कोकोनट डालना है। वो भी इसी तरह से हिलाते रहना है ताकि कुछ जले ना। ध्यान रहे, कंटिन्यूस स्टरिंग ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए। फ्रेंड्स, अभी जैगरी मेल्ट हो गई है तो गैस बारीक करो। तो दोस्तों, अभी जो मैंने कोकोनट ग्रेट करके लिया था वो इसमें ट्रांसफर करके लेना है और धीरे धीरे मिक्स करते जाना है। ध्यान रहे कुछ जले ना। इस तरह से दोस्तों स्टर करते रहो। आप चाहिए तो गैस की आंच बढ़ा सकते हो। बहुत ही टेस्टी और यम्मी मोदक बनते हैं दोस्तों। मैं इस बार मैदा से बनाने वाली हूँ। ज़्यादातर लोग ऑयल से बाद में डीप फ्राई करते हैं, पर इस बार मैं आपको विदाउट ऑयल, हम लोग गोवा में कैसे, इसी ये भी एक ऑप्शन है जिस तरह से मोदक बनाते हैं। जिन्हें ऑयली पसंद नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं कि अवॉइड करो ऑयल, तो इसी तरह से भी आप बना सकते हो स्टीम्ड मोदक। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जैगरी और कोकोनट फ्राई हो रहे हैं, स्वीट स्मेल आ रही है। कोकोनट का एक अलग ही फ्लेवर होता है। गोवा में बहुत कोकोनट लगता है, हम लोगों के हर डिश में कोकोनट जाता ही है। विदाउट कोकोनट हमारे गोवन का खाना मोस्टली नहीं, ज़्यादा नहीं होता है। सभी डिश में हमें कोकोनट पसंद है और हमारे यहाँ पे कोकोनट भी बहुत मिलता है, सस्ता भी है। इस तरह से आटा भून के लिया है। अभी इसकी एक रोटी बनाऊंगी और बाद में दिखाती हूँ किस तरह से कट करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रोटी बना के कट करके लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से अभी कट करके इसमें अभी हमें सूरन भरना है जो मैंने आपको प्रिपेयर करके लिया दिखाया था किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो अभी इसमें एक एक थोड़ा थोड़ा, क्योंकि छोटे हैं मैं छोटे ही बनाऊंगी। तो अभी थोड़ा थोड़ा इसमें डाल करके लेना है और फिर इसे फोल्ड करना है। एक मैं आपको करके बताती हूँ किस तरह से करना है, दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से ये फोल्ड करके लेने हैं। इस तरह से ये सभी बना के आपको लेने हैं। आपने देख लिया, एक मैंने आपको सैंपल दिखा दिया है।
तो गाइस मैंने मोदक बना के लिए हैं। अभी ये इडली की इसमें मैं स्टीम करूँगी। सारे ये बर्तन लिए हैं, उसको ऑयल लगा के लिया है, चारों बाजू थोड़ा थोड़ा ब्रशिंग करके लिया है। तो अभी इसमें रखना है, दो दो रखूँगी मैं, एक इसमें, डिपेंड्स आपको किस तरह से, एक में एक एक ही रख रही हूँ। तो अभी ये चला गया, अभी दूसरा लाती हूँ। दो टू टू टू, अभी दूसरा भी आ गया, अभी लास्ट वन। तो अभी ये लीड लगानी है, गट लगाना है, टाइट लगाना है, और फिर अभी गैस ऑन करनी है। और आप अभी ये 20 मिनट्स आपको स्टीम करना है, फिर मोदक रेडी है, रेडी टू सर्व। तो दोस्तों ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसी लगी। मैं आपको फाइनल मोदक किस तरह से दिखेंगे आपको ज़रूर दिखाऊंगी। पूजा को नैवेद्य रखेंगे, तब आज संकष्टि है तो इसलिए बनाए हैं, हम लोग हर महीने बनाते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी यम्मी हेल्दी फूड है और झट से बन जाता है। हाय गाइस, तो अभी मोदक ऑलरेडी बन के रेडी हो चुके हैं स्टीम के बाद। आप देख सकते हो इस तरह से लगते हैं, मैंने 21 मोदक बनाए थे, बहुत ही टेस्टी और यमी लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, अच्छे लगे तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, से आरो बाय बाय, से बाय बाय, ओके।